नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में अपनी ससुराल आए युवक का शव जंगल में प्लास्टिक की रस्सी से बकायन के पेड़ पर लटका हुआ मिला। शव मिलने की सूचना से ससुराल पक्ष में कोहराम मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। बता दें कि थाना राजापुरा क्षेत्र के गांव कुबी निवासी 45 वर्षीय मुकेश उर्फ पप्पू वाल्मीकि पुत्र नानक के करीब 15 साल पहले हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बाईखेड़ा निवासी प्रसादी वाल्मीकि की बेटी सोमा से शादी हुई थी। मंगलवार की सुबह मुकेश उर्फ पप्पू का शव उसके ससुराल से करीब 500 मीटर दूर गांव के शेरसिंह के धान के खेत में बकायन के पेड़ पर प्लास्टिक की रस्सी से लटका हुआ मिला। मृतक के पैर जमीन पर टिके हुए थे। जब सुबह ग्रामीण खेतों की ओर गए तो उन्होंने शव को लटका हुआ देख मामले की सूचना गांव में दी। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। रोती बिलखती मृतक की पत्नी सोमा भी मौके पर पहुंची। घटना की सूचना पर कोतवाल सुशील कुमार वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की सास शकुंतला द्वारा बताया गया कि बेटी कुछ समय से नाराजगी के चलते घर पर रह रही थी। सोमवार को उनका दामाद बेटी को लेने के लिए आया था। शाम तक वह लापता हो गया। सुबह उसका शव बकायन के पेड़ पर लटका हुआ मिला। एक महीना से मेरी बेटी मेरे घर पे ही नाराजगी में रहन दो, कैसे रहन दो। दामाद आया कल दोपहर से बाद में दारू पी कर धुसता आकनिया, फिर चला गया वापिस ही। फिर लौट कर आया, फिर पी कर चला गया वापिस ही जंगल में जाकर। साहब हमें ये पता ही नहीं, फांसी खाने जा रहा, कहाँ से जा रहा, मेरे घर वैसे ही चला गया। अच्छा, रात भर आपके घर नहीं रहे? फिर घर नहीं रहा मेरे घर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, गांव के जब टट्टे फिसा फिर दिन लिख रहा सुबह को, उन्होंने आकर हमारे घर में कही कि कौन आदमी है, किसका मेहमान है। हम यहाँ से भाग के गए तो देखते सब वही फांसी खाए बैठा। पुलिस को सूचना दे दी। सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया कोर्ट में। हाँ, कोर्ट में करने ले गए पुलिस वाले सब। ठीक, वक्त हो चला है आप सभी लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।